नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। आज मैं बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। बैंगन की सब्जी बनाने के लिए इस तरह का बैंगन मैंने लिया है, दो बड़े साइज का। इसे धोकर कट कर लेते हैं गोल गोल शेप में। अब इसे एक कंटेनर में रखकर इसमें हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मिला लेते हैं ऊपर नीचे करके, जिससे सारे बैंगन में मसाला कवर्ड हो जाए। देखिए कितनी अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसे एक पैन में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं अच्छी तरह से, और एक एक बैंगन के टुकड़े को हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम उलट पलट कर डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करने से ज़्यादा ऑयल खर्चा नहीं होता है, और ये नॉन स्टिक पैन है, इसमें ऑयल की खपत कम होती है, ये कम ऑयल एब्जॉर्ब करता है। अब इसे हम उलट पलट कर इस तरह से सारे बैंगन को फ्राई कर लेते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार फ्लेम को लो टू मीडियम करते रहेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब जब सारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये बहुत ही इजी बन जाता है और इसमें ज़्यादा ऑयल की भी खपत नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे निकालने के बाद हम इसी पैन में फिर थोड़ा ऑयल डालेंगे। इसमें पंचफोरन डालेंगे। पंचफोरन जब चटक जाए तो हींग डालेंगे और हरी मिर्च, तीन से चार हरी मिर्च को बीच से हल्का चीरा लगाकर इसमें डालेंगे। अब इधर अदरक और लहसुन दोनों को हम चॉप कर लिए हैं। अब इसे इसमें डालकर इसका कच्चापन जब ख़त्म हो जाए, हल्का ये भुना जाए, तो हम दो बड़े साइज का प्याज लिए हैं, उसे भी चॉप कर दिए हैं। अब इसमें हम प्याज को डाल देंगे। चॉप्ड प्याज का यूज़ करने से ग्रेवी बहुत जल्दी ही ग्रेवी में ये प्याज मिल जाता है, ग्रेवी गाढ़ा हो जाता है। इसे हम सुनहला भुनेंगे। और इसके बाद हम दो टमाटर लिए हैं बड़े साइज का, उस टमाटर को इसमें हम डालकर इसे चलाएंगे। कुछ देर चलाने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे। हम फ्राई बैंगन फ्राई करते समय में भी नमक डाले थे, इसलिए हम कम ही नमक डालेंगे। हल्दी डालेंगे और इधर हम एक चम्मच सरसों और जीरा को जार में सूखा ही पीसे थे, इसे भी इसमें हम डाल दे रहे हैं।
थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसे हम चलाएंगे। इसे चलाने के बाद इसमें हम हल्का पानी दे देंगे और पानी देकर इसे हम ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसे टमाटर सॉफ्ट हो जाता है और अच्छी तरह से मसालों में मिल जाता है। देखिए इस तरह से ये पूरा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब मसालों को हम भूनेंगे जिस तरह से मसाला भूनते हैं। भूनने के बाद इसमें हम पानी मिलाएंगे, तो पानी हम गुनगुना ही मिलाएंगे, ठंडा पानी नहीं मिलाएंगे। जितना पानी डालना होगा, ग्रेवी जितना हमें बनानी होगी, इस तरह से हम इसमें पानी डाल देंगे। ये अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें हम हल्का गर्म पानी डाल रहे हैं। हल्का गर्म पानी डालने से कलर अच्छा आता है और जल्दी ही ग्रेवी में उबाल आ जाती है और सब्जी टेस्टी भी बनता है। डायरेक्ट हम ठंडा पानी डालते हैं तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। ग्रेवी में 2-3 बार उबाल आ गया है। अब इसमें हम फ्राइड बैगन को डाल देते हैं। इस तरह से बनाने से ऑयल की भी खपत कम होती है और मसाला भी ज़्यादा नहीं लगता है। आपको मेरी वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने नहीं किया है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ एडवाइस देनी हो तो एडवाइस दीजिएगा। अब इसे हम कुछ देर 3 से 4 मिनट तक इसे हम लो फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर देंगे। देखिए बनकर तैयार हो गया। धन्यवाद।